हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बड़े टेडी बियर की कटिंग ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आने वाली वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं इस टेडी बियर को कैसे सीलना है, कैसे बनाना है वो बताऊंगी। मैंने अपने चैनल सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी पर एक छोटे टेडी बियर की ड्राफ्टिंग और उसे कैसे सीलना है वो बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जिन चार चीजों की आवश्यकता होगी उनमें आप इस तरह का कोई वाइट पेपर या चार्ट पेपर ले सकते हैं, कैंची, पेन और नापने के लिए इंच टेप। चार्ट पेपर लेकर सबसे बड़े और सबसे पहले पीस की कटिंग देखिएगा, आप इसकी सबसे पहले इस तरह से शेप बना लीजिएगा। लंबाई बीच में से 9 इंच, हाथों की चौड़ाई 17 इंच और पैरों की चौड़ाई करीब 19 इंच होगी। देखिए फ्रेंड्स, शेप ये दिया है 9 इंच, 17 इंच और 19 इंच। इस शेप में ये पार्ट कटेगा। दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। ये फ्रंट कोड़ी है, इसकी शेप कुछ इस तरह रहेगी। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, इसकी लंबाई पूरी 10 इंच। ये हाथ लगेंगे यहां 4 इंच और 4 इंच, बीच में से 6 इंच शेप ये रहेगी। फ्रंट पौड़ी एक पीस काटिएगा, लिख लीजिएगा फर की डायरेक्शन नीचे की ओर। लंबाई चौड़ाई एक बार और देख लीजिए, 10 इंच सबसे ऊपर से 5 इंच, बीच में से 4 इंच, 6 इंच, 4 इंच, 6 इंच, इस तरह से फ्रंट पौड़ी कटेगी। पीस नंबर 3, इस तरह से ये टेडी बियर का साइड फेस होगा। सबसे पहले इस शेप में काट लेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई पूरी 6 इंच, चौड़ाई 5.5 इंच, छ इंच और 5.5 इंच। यहां टेडी बियर की नाक लगेगी और शेप ये रहेगी। ये पार्ट 3 है, साइड फेस लिख लीजिएगा, फर की डायरेक्शन नीचे की ओर। और यहां बीच में एक लंबा सा निशान लगाइएगा करीब 3 इंच का, यहां कान लगेगा। तीसरा पीस है। चलते हैं चौथे पीस की तरफ, जो कुछ इस तरह से होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई देखिएगा। लंबाई पूरी 11 इंच है और बीच में से चौड़ाई 4 इंच। निशान लगाएंगे,
जितनी लंबाई मैं बता रही हूँ आप उसके हिसाब से ही डायरेक्शन इस पीस में देखकर निशान लगाइएगा। डायरेक्शन नीचे की ओर, ये हेड गजट है यानी कि साइड फेस के साथ जो लगेगी सिर की पट्टी, एक पीस कटेगा, पीस नंबर 4 है। इसकी लंबाई चौड़ाई एक बार और देख लीजिएगा, लंबाई 11 इंच, यहां से 3 इंच, 3 इंच नीचे से और बीच में से 4 इंच इस तरह से कटेगी। टेडी बियर की लेग्स एक पीस काटिएगा, शेप ये रहेगी। लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, 4.5, 4.5, 4.5 यहां से, 4.5 यहां से, शेप ये रहेगी। ये लेग्स है वन पीस, ये हाथ है, इसकी शेप देख लीजिएगा। एक पीस, डायरेक्शन नीचे की ओर, इसकी लंबाई चौड़ाई शुरुआत में 4 इंच, पीछे की ओर करीब 3 इंच लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है, 4 इंच यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 3 इंच। इस शेप में टेडी बियर का हाथ एक पीस काटिएगा, फ्रेंड्स ये शेप है। अब ये टेडी बियर की नाक है, यहां से कुछ गोल सी और नीचे की तरफ दो भुज सी, एक पीस, बीच चम्बीच से लंबाई 2 इंच, 3 इंच और यहां भी 3 इंच। नोज ये पैरों में लगने वाले गोले हैं, लेग पेच ओवल शेप में काटिएगा। लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, 3 इंच लंबाई और बीच में से 2.5 इंच चौड़ाई। देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच और 2.5 इंच शेप, ओवल अंडाकार, लेग पेच, वन पीस, लास्ट पीस टेडी बियर के कान अर्धगोलाकार शेप, नीचे से 3.5 इंच और बीच की लंबाई 2 इंच। देखिए फ्रेंड्स ये शेप है अर्धगोलाकार, 2 इंच और नीचे से 3.5 इंच, फर की डायरेक्शन नीचे की ओर। ये कान है, वन पीस काटिएगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल 9 पीस हो गए हैं, आप इन्हें काट लीजिएगा। शेप जो मैंने बताई है वो रहेगी, लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी है। इस टेडी बियर की कटिंग काटकर मेरी आने वाली दूसरी वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं इसे कैसे सिलना है वो बताऊंगी, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा।
अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सभी पीस को काट लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, उसमें क्राफ्ट वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। सारे पीस काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे पीस कट हो चुके हैं। बैक बॉडी वन पीस, ये फ्रंट बॉडी वन पीस, हेड गजट वन पीस, साइड फेस वन पीस, लेग्स वन पीस, हाथ वन पीस, ईयर्स वन पीस, कान, लेग पेच वन पीस, नोज नाक वन पीस, टोटल नाइन पीस है। ये ड्राफ्टिंग है। इन सभी से हम टेडी बियर कैसे बनाएंगे, सेविंग वीडियो पार्ट टू जरूर देखिएगा, जल्द आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा मेरी चैनल सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।